हूँ रेडमी की तरफ से दो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोबाइल्स। एक है रेडमी का नोट 9 जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, दूसरा है रेडमी का नोट 9 प्रो जो पहले लॉन्च हुआ था। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए। तो अगर आप एक मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। नोट 9 है 12,000 का, नोट 9 प्रो 14,000 का, दोनों में 2,000 का फ़र्क है। चलिए देखते हैं 14,000 में नोट 9 प्रो के साथ क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमें लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल, अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूज़र मैनुअल। इसके बाद दिया गया है आपको ये नॉर्मल क्वालिटी में कवर। इसके बाद आपको मिल जाता है रैपर के अंदर मोबाइल जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये डेटा केबल। इस डेटा केबल की लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और अच्छी चीज़ यह है इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है। बाकी देख लेते हैं इसके बाद आपको आखिर में रखा हुआ मिल जाता है ये वाइट कलर में कुछ इस तरीके के लुक में चार्जर। अब दोस्तों अच्छी चीज़ यह है इस मोबाइल में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और एक 18 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। तो ये सारा सामान आपको दिया गया है रेडमी के नोट 9 प्रो के साथ 14,000 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको इस मोबाइल के साथ नॉर्मल मिल जाते हैं क्योंकि इस रेंज में आपको आजकल 14,000 में 30 वाट तक के फास्ट चार्जर देखने को मिल जाते हैं दूसरी कंपनीज के अंदर। तो दोस्तों इस चीज़ में मुझे ये मोबाइल नॉर्मल लगा। चलिए देखते हैं फिर भी अगर आप 2,000 और कम खर्च करते हैं रेडमी के नोट 9 पे तो 12,000 में रेडमी के नोट 9 के साथ क्या क्या दिया गया है। तो जैसे ही आप अनबॉक्स करते हैं इस मोबाइल को, इसमें भी आपको सबसे पहले रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स ही जिसमें आपको पीछे की तरफ उसी तरीके से लगा हुआ मिल जाता है एक सिम इजेक्टर टूल, अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूज़र मैनुअल। इसके बाद दिया गया है वैसे ही क्वालिटी के अंदर नॉर्मल कवर, ट्रांसपेरेंट सिंपल। इसके बाद मिलता है मोबाइल जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है वैसी ही डेटा केबल। इसकी भी लेंथ और क्वालिटी वैसी ही है जैसा आपको नोट 9 प्रो के साथ मिल जाती है और इसके साथ भी आपको टाइप सी केबल दी गई है। बाकी देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको इसके अलावा रखा हुआ मिल जाता है आखिर में ये वाइट कलर में चार्जर। अब इसके अंदर भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और दोस्तों एक 22.5 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। अब रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको ज़्यादा अच्छे दिए गए हैं रेडमी के नोट 9 के साथ क्योंकि इसकी एक तो कीमत 2,000 कम है, दूसरा इसके साथ आपको टाइप सी केबल वैसी ही मिलती है नोट 9 प्रो की तरह, और दूसरी चीज़ इस मोबाइल के साथ आपको चार्जर थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर दिया गया है। वैसे चार्जर में इतना ज़्यादा खास फर्क भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा बेटर चार्जर है इस मोबाइल के साथ। तो बॉक्स के कंटेंट्स तो आपको नोट 9 के साथ ही ज़्यादा अच्छे दिए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं डिज़ाइन के बारे में। तो दोस्तों डिज़ाइन वैसे दोनों में सिमिलर ही मिलता है, देखने में दोनों लगभग एक जैसे ही लगते हैं, कलर का फ़र्क है इन दोनों के अंदर, लेकिन दोस्तों डिज़ाइन की क्वालिटी के अंदर काफ़ी बड़ा फ़र्क है। नोट 9 के अंदर तो आपको प्लास्टिक के टाइप का डिज़ाइन मिलता है, स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा आसानी से आ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ नोट 9 प्रो में ग्लास लुक है गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ। तो देखने में तो दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन क्वालिटी वाइज देखा जाए तो नोट 9 प्रो ज़्यादा अच्छा है। इस पर आपको स्क्रैचेस की प्रॉब्लम कम देखने को मिलेगी नोट 9 के कंपैरिजन में। इसके अलावा दोस्तों बात करें कैमरे के बारे में तो रेडमी के नोट 9 में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का, बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 13 मेगापिक्सल का और दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें आपको कैमरे के नीचे मिल जाता है बैक साइड पर। वहीं दूसरी तरफ नोट 9 प्रो के अंदर आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं। इसका पहला कैमरा भी 48 मेगापिक्सल का है, दूसरा 8, लेकिन इसका तीसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल का है, चौथा 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा है इसका 16 मेगापिक्सल का। इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पैनल पे नहीं दिया गया रेडमी के नोट 9 की तरह। इन दोनों मोबाइल्स में जो आपको कैमरे की परफॉर्मेंस मिलती है वो नोट 9 के अंदर नॉर्मल है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा कैमरा दिया गया है नोट 9 प्रो के अंदर। अगर आपको कैमरे की वजह से ही मोबाइल लेना है तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको कैमरा ज़्यादा अच्छा मिल जाता है नोट 9 प्रो का। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिज़ाइन। आपको इन दोनों में किसका डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों क्वालिटी ही मैटर करती है डिज़ाइन के अंदर, जो नोट 9 प्रो में ज़्यादा अच्छी है, इस वजह से मुझे नोट 9 प्रो ज़्यादा पसंद आया डिज़ाइन को लेकर। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको 6.5 इंच के आसपास डिस्प्ले दी गई है। 6.5 इंच की डिस्प्ले है नोट 9 में, 6.67 इंच की डिस्प्ले है नोट 9 प्रो के अंदर। तो डिस्प्ले साइज के अंदर हल्का सा और ज़्यादा बड़ा है नोट 9 प्रो। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स में आपको IPS फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है। इस चीज़ में दोनों सेम हैं, फिर भी डिस्प्ले की क्वालिटी किसकी अच्छी है मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले बात करें यूजर इंटरफेस के बारे में तो यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से मिलता है। अंदर से चलाने में दोनों ही मोबाइल्स बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं, बिल्कुल भी फर्क नहीं है चाहे आप कोई सा भी खरीदें। इसके अलावा दोस्तों होम स्क्रीन पर ही आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, आप राइट साइड पर स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्स मिल जाती हैं।
इन दोनों ही मोबाइल्स के डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ डिस्प्ले की क्वालिटी में कौन सा ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहला फ़र्क है डिज़ाइन को लेकर। वैसे तो दोनों में पंच होल कैमरा वाला डिज़ाइन मिल जाता है, डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है, लेकिन नोट 9 प्रो में बीच में कैमरा है और नोट 9 में आपको लेफ्ट साइड पर मिल जाता है। दोस्तों मुझे पर्सनली वैसे डिस्प्ले के अंदर कैमरा लेफ्ट या राइट साइड पर ही ज़्यादा पसंद है, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको इन दोनों मोबाइल्स में से डिज़ाइन किसका ज़्यादा अच्छा लग रहा है डिस्प्ले का। डिस्प्ले में आपको एजेस बेजल्स भी दोनों में काफ़ी कम दिए गए हैं। अब दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी तो दोनों मोबाइल्स में आपको एक जैसी ही मिलती है, IPS फुल HD प्लस, लेकिन इन दोनों मोबाइल्स में जो आपको डिस्प्ले के कलर्स दिए गए हैं वो आप नोटिस करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है नोट 9 प्रो की डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले का डिज़ाइन तो नोट 9 का ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन डिस्प्ले में क्वालिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है जो नोट 9 प्रो की ज़्यादा अच्छी है नोट 9 से। इस चीज़ में नोट 9 प्रो ही ज़्यादा बढ़िया है। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे तो दोनों में सिम की ट्रे दी गई है। अच्छी चीज़ यह है दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप दो सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ें एक साथ लगा सकते हैं। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक मिल जाता है। टाइप सी पोर्ट दिया गया है दोनों में। राइट साइड से आप देखेंगे तो दोनों में वॉल्यूम के बटन्स, उसी के ठीक नीचे पावर के बटन्स, लेकिन नोट 9 प्रो के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर पावर के बटन के अंदर ही मिलता है राइट साइड पर। नोट 9 में बैक पैनल पे है। इसके अलावा दोस्तों ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो दोनों में आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाता है और IR ब्लास्टर भी दिया गया है जिससे आपका MI रिमोट काम करता है, तो TV वगैरह आप इन दोनों मोबाइल से चला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन दिया गया है, एंड्रॉइड 10। इस चीज़ में दोनों अच्छे हैं। रिसेंट एप्लीकेशन की विंडोज़ में आपको दिखा देता हूँ, दोनों ही मोबाइल्स में थोड़ी छोटी दी गई हैं। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको बैटरी मिलती है 5020 mAh की। इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है बैटरी के अंदर। ये दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों 12,000 में नोट 9 के अंदर आपको मिलती है 4GB RAM 64GB की इंटरनल स्टोरेज और 14,000 में नोट 9 प्रो में भी 4GB RAM 64GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। तो इस चीज़ में नोट 9 ज़्यादा अच्छा है, इसकी कीमत भी कम है और रैम और स्टोरेज भी आपको नोट 9 प्रो की तरह मिल जाती है। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में तो रेडमी के नोट 9 के अंदर आपको मिलता है हीलियो का G85 प्रोसेसर और नोट 9 प्रो के अंदर आपको दिया गया है स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर। अब देखिए अगर आप एक हैवी यूज़र हैं तो नोट 9 के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, लेकिन इन दोनों मोबाइल्स में आपको ज़्यादा बढ़िया प्रोसेसर दिया गया है नोट 9 प्रो में ही। अगर आप एक बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र हैं तो आपको ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस नोट 9 प्रो के अंदर ही मिलेगी क्योंकि इसमें प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों ये सारी खूबियाँ कमियाँ आपको मिलती हैं दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़ आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं। तो मैटर सबसे पहले ये करता है कि जो आपकी मेन ज़रूरत की चीज़ है वो किस मोबाइल में ज़्यादा अच्छी है। तो देखिए दोस्तों अगर आपको डिज़ाइन अच्छा चाहिए तो आप नोट 9 प्रो खरीदिएगा, इसके डिज़ाइन की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। और अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का कैमरा तो भी आप नोट 9 प्रो ही खरीदिएगा, इसका कैमरा ज़्यादा अच्छा है नोट 9 से। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की डिस्प्ले तो दोस्तों डिस्प्ले का डिज़ाइन वैसे देखा जाए तो दोनों में ज़्यादा अच्छा है नोट 9 का ही। मुझे पर्सनली इसका डिज़ाइन ही ज़्यादा पसंद आया, लेकिन डिज़ाइन से ज़्यादा मैटर करती है डिस्प्ले की क्वालिटी जो आपको ज़्यादा अच्छी मिल जाती है नोट 9 प्रो के अंदर। तो अच्छे डिस्प्ले के लिए भी आप नोट 9 प्रो ही लीजिएगा। मैं भी पर्सनली दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स में डिस्प्ले को लेकर नोट 9 प्रो ही चूज़ करूँगा। इसके अलावा दोस्तों आखिर में अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर तो प्रोसेसर आपको ज़्यादा अच्छा दिया गया है नोट 9 प्रो के अंदर, अच्छे प्रोसेसर के लिए भी आप नोट 9 प्रो ही खरीदिएगा। बाकी दोस्तों बैटरी आपको दोनों में अच्छी मिल जाती है, बस ये चीज़ अच्छी है नोट 9 की कीमत 2000 कम है, तो अगर आपके लिए बैटरी ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है तो आप कम कीमत में नोट 9 भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स में मैं आपसे पर्सनली यही कहूँगा, जहाँ आप 12,000 में नोट 9 लेने की सोच रहे हैं सिर्फ 2,000 महंगा 14,000 में नोट 9 प्रो खरीदिएगा। ज़्यादातर चीज़ों में यही मोबाइल ज़्यादा बेटर है, कैमरा भी इसका ज़्यादा अच्छा है, डिस्प्ले की क्वालिटी भी इसकी ज़्यादा अच्छी है, प्रोसेसर भी इसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छा दिया गया है, डिज़ाइन भी इसके अंदर ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का है। मुझे बिल्ड क्वालिटी भी इन दोनों मोबाइल्स में वैसे जो ज़्यादा सॉलिड लग रही है वो नोट 9 प्रो की ही लग रही है। तो क्लियरली मैं आपको नोट 9 प्रो ही सजेस्ट करूंगा इन दोनों मोबाइल्स में, चाहे आप थोड़ा वेट करके लें एक दो महीने भी, लेकिन 14,000 में नोट 9 प्रो ही खरीदिएगा, यही मोबाइल आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों मुझे भी नोट 9 प्रो पसंद आया, आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।